फाइनली हम लोग आ चुके हैं गेटवे ऑफ मुंबई, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया भी माना जाता है। तो इसकी साइड में अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये सब बोट है, अभी कभी स्टार्ट होने वाला है, कुछ आइडिया नहीं है। और यहाँ पे सामने देखने वाले हैं आप गेटवे ऑफ मुंबई, और साइड में आपको राइट साइड में ताज होटल मिलेगा, जो कि अब तक मैंने सबसे बेस्ट होटल अब तक मैंने देखा है। थोड़ा पॉज करके आगे जाकर आपको दिखा रहा हूँ। सामने बहुत सारी बोट है और वहाँ पे स्टार्ट भी हो चुका है उनका सर्विस, देखने वाले हैं उसका भी प्राइस तो ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का स्टैचू है, और एक साइड में राइट साइड में भी एक है और उसको भी दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक बोट खड़ी है और वो जाने के लिए रेडी है, कहीं दूर जाएगी लगता है, कुछ आइडिया नहीं है। अभी सुबह सुबह हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इनका सर्विस, सोन स्टार्ट होने वाला है। प्राइजेस अभी पता नहीं, अराउंड 200 होगा इसका प्राइजेस। और टूरिस्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं, और एक बताना चाहता हूँ, आज संडे है और संडे को टूरिस्ट ज़्यादा ही आते हैं, आई थिंक, एग्जैक्ट पता नहीं है। साइड में एक और बोट खड़ी है, पता नहीं एक कब जाएगी, तीन चार बोट खड़ी है, मिनी बोट भी है, प्राइवेट है। इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है, आई थिंक अलाउड नहीं है, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर भी बहुत अच्छा सा डिजाइन है, इसको देखने पर लगता है कि बहुत पुराना है। इसके पीछे भी थोड़ा बैठने का अच्छा सा जगह है, अच्छा सा स्पॉट बोल सकते हैं। और बोट सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे और कुछ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे बोटिंग का स्टेशन है, यहाँ पे बोट रुकती है, अभी कोई यहाँ पे बोट नहीं है प्रेजेंटली, उस साइड ही अभी है। तो यहाँ पे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, अंदर जाने का तो अभी रास्ता बंद है, अभी नहीं अलाउड नहीं है आई थिंक अंदर जाने का। इसके अंदर भी उतना कुछ खास नहीं जितना बाहर है, सब लोग बाहर का ही देखते हैं, अंदर का कोई नहीं देखता। और ये आप लाइटिंग देख सकते हैं, लाइटिंग का बहुत ओल्ड हो चुका है, रस्ट होने का स्टार्ट हो चुका है, कभी बना था ये कुछ आइडिया नहीं है। इधर कुछ बोर्ड मिलेगा तो मैं बता सकता हूँ ये कब का है। वो पीछे भी कुछ खास नहीं है, सेम है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था देखने के लिए अच्छा सा स्पॉट, वो नरमन पॉइंट था। नरमन पॉइंट थोड़ी ही दूर में है हमारे मुंबई गेट से, 1 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। और आप नीचे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, ये पत्थर मुझे लग रहा है कि ये बनाया गया है, ये नेचुरल पत्थर नहीं है, बनाया गया है। और सामने आप देख सक रहे हैं बहुत दूर दूर तक बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, और आगे आप देखेंगे तो मुंबई का एंडिंग पॉइंट भी है। और ये बहुत अच्छा प्लेस था रनिंग के लिए, मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए और टाइम बिताने के लिए। सामने वो बिल्डिंग दिख रहे हैं, सबसे पुराना है यहाँ पे, जितने भी बिल्डिंग है सारे के सारे नए है। और सामने दिख रहे हैं बहुत पुरानी है, ये अराउंड पुर्तगीज टाइम का होगा, 19th सेंचुरी का, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले का। नहीं, आप देख पा रहे हैं सेंट जेवियर हाई स्कूल, ये बहुत बड़ा है और कुछ अच्छा भी दिख रहा है, इसका बाहर का लुक भी बहुत अच्छा है और बहुत दूर तक फैला है। आई थिंक मैंने जो देखा है सबसे बेस्ट स्कूल इधर अभी मुंबई तक स्कूल अच्छा थोड़ा दिखा, ज़्यादातर स्कूल भी नहीं दिखा मुझे, ज़्यादातर बिल्डिंगे है, पर यह बहुत अच्छा है। मैंने टोटल 2 बाजार कवर किया था, पर मैंने वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। मैंने फर्स्ट मार्केट जो विज़िट किया था वो स्ट्रीट मार्केट, स्ट्रीट मार्केट पर आपको बहुत सारी वैरायटी के कपड़े मिल सकते हैं, जूते मिल सकते हैं, एयरफोन का थोड़ा ही कम था, बट छोटा ही मार्केट था, वो साइड में ग्राउंड भी था। तो नेक्स्ट मार्केट हमारा जो था वो क्रॉफर्ड मार्केट था, रेलवे स्टेशन के पास में ही है। क्रॉफर्ड मार्केट में ज़्यादातर क्रिसमस की सामान और कपड़े, जूते, एयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक, सब सारे के सारे यहीं पे थे, पर इनका रेट भी अच्छा था। और साइड में स्वीट स्मार्ट का भी था, ड्राई फ्रूट्स बोल सकते हैं, उनका भी अच्छा शॉप था। आखिरी स्पॉट आज का होने वाला है वो मुंबई रेलवे स्टेशन। मुंबई रेलवे स्टेशन क्या ही बोलो, क्या ही डिज़ाइन इसका है, क्या ही लुक इसका है, क्या ही बनाने वाले ने बहुत मेहनत से बनाया है, और इसको तो सैल्यूट मिलना चाहिए जिसने बनाया है। ये पहली स्टेशन है जो कि
पुराने ज़माने की है और बहुत अच्छी भी दिख रही है। डिज़ाइन है इसका अच्छा है और सामने वाला एक बिल्डिंग भी बहुत अच्छा बनाया है। जो था वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ का ऊपर का बहुत नज़ारा बहुत अच्छा था, पर मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि मेरा चार्ज नहीं था। इसके लिए सॉरी।